नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल खा पी चल पे। आज मैं आपको कोणार्क टेम्पल के बारे में बताने वाला हूँ। जो मेरा ब्लॉग है उसमें आपको कोणार्क टेम्पल में एक छोटा सा स्टोरी है कोणार्क टेम्पल के ऊपर, मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, एक 12 साल का बच्चे का बलिदान का स्टोरी है, मैं आपको बताने वाला हूँ आज। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का मेरा ब्लॉग खा पी चल पे कोणार्क टेम्पल। दोस्तों, हम निकल पड़े हैं पुरी से कोणार्क। आज मेरा व्लॉग आपको कोणार्क के बारे में बताने वाला हूँ। एक छोटा सा स्टोरी है, बहुत देखिए कोणार्क के बारे में बहुत सारा स्टोरी है, लेकिन मैं आपको इसका जो निर्माण हुआ था उसके एक बारे में एक स्टोरी बताऊंगा। जो एक छोटा सा बच्चे का बलिदान है, ये मंदिर निर्माण के पीछे जो स्टोरी है। और आपको पुरी से कोणार्क 33 किलोमीटर डिस्टेंस है, और आपको वहाँ से बस भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस रास्ते में आपको बाइक और कार में जाने का मज़ा थोड़ा अलग है, क्योंकि रास्ता बहुत ही अच्छा है। और रास्ते ये आप पुरी से जब निकलेंगे तो आपको सीधा महावीर, फिर आपको बालीघाट होके आपको जाना पड़ेगा। फिर रास्ते में एक नदी आता है, उसका नाम है नुआ नई, और उसके बाद बालीघाई चौक आता है, जहाँ से आपको लेफ्ट टर्न देंगे तो आप जाएँगे गोप, जो पुरी में है, पुरी ज़िले में डिस्ट्रिक्ट में है गोप। और अगर आप सीधा चलेंगे तो आप जाएंगे कोणार्क के रास्ते पे। दोस्तों, ये जो रास्ता में आपको बहुत अच्छा रेस्टोरेंट और ढाबा मिलेगा, बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना भी मिलता है वहाँ पे। दोस्तों, लगभग 25 किलोमीटर के बाद रामचंड्र टेम्पल, माँ रामचंड्र टेम्पल आता है। ये पिकनिक स्पॉट के लिए फेमस है उड़ीसा में। और ये जो मंदिर है, मंदिर के पीछे एक नदी है, और नदी में बोटिंग की फैसिलिटीज़ है, और उस उधर नदी के उस साइड आपका समंदर है। तो यहाँ पे लोग ये जो मंदिर के आसपास में जो गाँव है, यहाँ पर सालों में एक बार कम से कम तो रामचंड्र मौज के नाम पर यहाँ पे भोजी भात बनाते हैं। तो दोस्तों, हम जब ये रामचंडी से आगे जाएंगे तो आपको ये वाला रास्ता मिलेगा, जहाँ पे आपको रास्ते के साइड ही समंदर है। ये जो लंबा बीच है चंद्रभागा तक, ये मेरिन ड्राइव रोड का, ये आपको आपका जो जर्नी है, जो ट्रैवल के साथ आपको ये जो बीच का जो नज़ारा आपको एंजॉय करने मिलेगा। तो दोस्तों, अभी मैं आपको ये चंद्रभागा से कोणार्क लगभग 3 किलोमीटर है, और मैं आपको जो कोणार्क टेम्पल है उसके पीछे जो एक अच्छा सा स्टोरी है, मैं उसके बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। एक 12 साल बच्चे का जो बलिदान है, ये मंदिर के पीछे का जो हिस्ट्री है, मैं आपको उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। कोणार्क टेम्पल एक ऐतिहासिक जगह है, जहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अभी इसका रक्षण करते हैं, और इसका ये वर्ल्ड हेरिटेज है। हम चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ। दोस्तों, ये यहाँ पे टिकट जो है इंडियन के लिए 40 रुपया है, और फॉरेनर के लिए 600 रुपया है, 600 रुपीज़। दोस्तों, ये दूसरे मंदिर की तरफ नहीं, दूसरे लोकेशन जो प्लेस रहता है उस तरह नहीं, उस जगह जैसा नहीं है कि आपको कैमरा के लिए अलग देना है, बैग के लिए अलग देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप है, मैं तो खुद 40 रुपया दिया, और मेरा कैमरा और मेरा बैग सब कुछ अलाउड था। यहाँ से यह हम सूर्यास्त के टाइम पर है, और मंदिर इवनिंग के टाइम पर हम जा रहे हैं मंदिर कोणार्क टेम्पल। अभी जो इसका आपको मंदिर है उसका जो ये तो मुखशाला है, एक्चुअली जो मेन मंदिर है वो नहीं, ये टूट चुका है।
और यहाँ पे आपको बाजू में आपको कोणार्क टेम्पल में मार्केट मिलेगा। यहाँ पे हस्त जो हैंडीक्राफ्ट है वो सब दुकान लगा हुआ है। आपको बहुत अच्छा अच्छा चीज़ मिलेगा यहाँ पे जो हैंडमेड है। तो यहाँ के जो व्यापारी इसके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं इधर के टूरिस्ट के ऊपर। आप जो टिकट करते हैं तो उसमें एक टोकन मिलता है टिकट की तरफ। यहाँ पे आप एंट्री देंगे तो आपको एंट्री मिलेगा यहीं पे टोकन देने के बाद। और फिर आपको जो मंदिर का जो एंट्री है, मुझे तो मैं तो इवनिंग के टाइम पे ही था तो मुझे ये जो व्यू है मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि आपको भी ये व्यू अच्छा लगेगा। और ये जो मंदिर के उस साइड सूर्य और यहाँ पे मंदिर के जो लुक है ज़बरदस्त लगता है। दोस्तों ये मंदिर 26 चक्र से बना है। ये एक एक्चुअली रथ के जो उसका जो निर्माण था रथ के स्टाइल में था। एक सूर्यदेव का रथ है वैसा ही बनाए थे। तो इसका तो मुख्य मंदिर जो गर्भगृह है वो नहीं है, अभी टूट चुका है। और ये मुखशाला जो ये जो मंदिर आप जो कोणार्क कर देख रहे हैं ये मुख्य है, लेकिन जो पीछे जो मेन टेम्पल है मुख्य मंदिर है वो नहीं है अभी। अरे मंदिर 7 घोड़े से और 26 चक्र था। और 26 चक्र 26 जो दिन का जो 26 घंटा जो समय है वो उसी हिसाब से बना था, क्योंकि पूरा मंदिर का जो डिज़ाइन है ये वास्तुकला के हिसाब से बना था। दोस्तों ये जो मंदिर है 1200 बढ़ई जो 1200 कारीगर बनाए थे इसको, उनका मुख्य थे बिशु महाराणा। बिशु महाराणा जब मंदिर बनाने के लिए आए थे तो उसके लगभग 30 दिन के बाद उनका बेटा जन्म हुआ था जिनका नाम था धर्मपद। 12 साल ये मंदिर बनाने में लगा। ये दो पत्थर में एक लोहे का जो डिजाइन जो दे के जो बनाया था मंदिर, और उसके ऊपर जो चुंबक था जो मैग्नेट था उसके वजह से मुख्य मंदिर था। लेकिन जब यहाँ पे अटक हुआ था यहाँ के जो चुंबक निकाल दिए तो उसका मुख्य मंदिर टूट गया है। अभी अभी जो भग्नावशेष कुछ बचा है। और ये जो नाट्य मंडप है और उसके उस साइड बाजू में और एक जो उनका भोगशाला है ये सब टूटा हुआ है अभी। दोस्तों 12 साल के बाद जो मुख्य महाराणा थे उनका बिशु महाराणा उनका बेटा जिद किया उनके माँ के सामने कि मुझे मेरे पिता को देखना है। तो फिर उनके जिद के सामने उनके माँ कुछ नहीं कर पाए तो फिर उनके साथ उनको भेज दिए, ठीक है जाओ। फिर वो कोणार्क का आने के बाद यहाँ पे सब परेशान थे क्योंकि 12 साल के बाद भी मंदिर का जो सिर से चूल है वो नहीं हो पा रहा था। सब टेंशन में थे। और सब क्योंकि राजा बिशु महाराणा को बुला के बोले थे अगर 7 दिन के अंदर मंदिर का निर्माण नहीं हुआ तो सबका सर अलग करेंगे। तो उसी टेंशन में सब थे, सब चिंता में थे। तब बिशु महाराणा का बेटा जो 12 साल के वो आके उनके पापा के पास उनका पिता के पास पहुंचे थे। फिर उनको सब कुछ पता चला। वो भी कारीगर का बेटा था और बच्चा था लेकिन उसको शायद भगवान का कृपा था। और वो सुनने के बाद ना वो रात रातों रात वो जो मंदिर का जो मैग्नेट जो चुंबक था वो जो चूल था उसको ऊपर बना दिया। और सुबह रातों में जब सबको पता चला कि 12 साल का बच्चा ये मंदिर का चूल बनाया है और राजा को पता चलेगा कि हम 1200 कारीगर बना नहीं पाए एक बच्चा ही बना दिया तो सबका जीवन संकट में आ जाएगा। वो बारे में बिशु महाराणा भी चिंतित रहे और सब चिंतित रहे। और वो बात धर्मपद को पता चला कि उसके वजह से उनका 1200 कारीगर के जीवन विपद में है। तो इसीलिए वो मुख्य मंदिर का ऊपर से समंदर के तरफ कूद के अपना जीवन दे दिया और यहाँ पे अमर हो गया। तो जो मंदिर का पीछे का जो स्टोरी है यही है कि 12 साल का बच्चा अपना जीवन यहाँ पे
बलिदान दे दिया मंदिर बनाने के लिए और उन 1200 कारीगर का जीवन बचाने के लिए। दोस्तों ये जो मंदिर है उसके ऊपर बहुत बार अटैक हुआ है और उसके बाद भी अभी तक जितना भी बचा है ये विश्व ऐतिह्य में विश्व है जो वर्ल्ड हेरिटेज में उसके स्थान मिला है उसको। और इसका जो एक एक कारीगरी है आप देखेंगे बारीक से वो बहुत ही कुछ अलग है। आप जितना भी मंदिर घूम लीजिए सबसे अलग है। माना जाता है कि जब भी सूर्य का पहला किरण आता है तो मुख्य द्वार देह के अंदर मुख्य जो मंदिर का गर्भगृह है उसमें जो भगवान थे उनके नाभि में एक जो हीरा का पत्थर था उसमें पहला किरण आता था और इसका चमक सबको दिखाई देता था। वो कुछ समय के लिए होता था। और इसका जो जैसे मैं आपको पहले से बताया यह मंदिर पूरा वास्तुकला से बना है और उसका जो वास्तुकला की वजह से इसका जो अलग ही जो दुनिया का सारे मंदिर है उसका कुछ ये मंदिर कुछ सबसे अलग ही है। अभी कोणार्क मंदिर के आसपास पार्क बना दिया है और अभी इसमें एक लाइट शो हो रहा है। इवनिंग के हर दिन इवनिंग को एक नया लाइट शो होता है, लेज़र लाइट का शो होता है। और ये 6 बजे से ये एक्चुअली ठंडे दिन जैसे नवंबर उसके हिसाब से टाइमिंग होता है थोड़ा जल्दी और जब धूप के दिन में थोड़ा लेट, मतलब ठंडे दिन में नवंबर दिसंबर जनवरी में 6 बजे स्टार्ट होता है लेकिन ये धूप के दिन में 7 बजे से स्टार्ट होता है। तो ये इवनिंग में एक लेज़र शो होता है यहाँ पर, वो भी बहुत अच्छा है। इसका टिकट अलग से है। दोस्तों मेरा आज का जो ब्लॉग था कोणार्क टेम्पल के ऊपर जो छोटा सा अच्छा सा स्टोरी था मैं आपको बताया, मुझे लगता है कि आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। इसके पीछे तो बहुत सारे स्टोरी है, इतना स्टोरी बहुत लंबा स्टोरी है लेकिन जो मेन स्टोरी है मैं आपको बताया हूँ इसका पीछे का बलिदान के बारे में। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।